जा रहे हैं और आज देखो मैंने सलवार सूट पहना है और ये तिलक है, ये तिलक है मेरे भैया ने लगाया है, मेरे ब्रदर, बिग ब्रदर, और वो भी लगाए हैं और मैं भी लगाई हूँ। और हम लोग इको विलेज जा रहे हैं, वाड़ा में है, वो आपको दिखाएंगे। इको विलेज में कैसा कैसा है? गोवर्धन पर्वत है जो कृष्ण भगवान जी ने उठाया था, बारिश आंधी हो जब हो रही थी तब कृष्ण भगवान जी ने जो पर्वत उठाया था वो पर्वत आपको देखने को मिलेगा आज। जो क्योंकि जो वृंदावन नहीं जा सकते हैं उनको वाड़ा आना चाहिए, एज इट इज़ बने हैं। मैं 5 ईयर्स बैक में गई थी पहले, तो अभी मैं जा रही हूँ, काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो गए हैं वहाँ पे। 7 पवित्र मंदिर हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे, आयुर्वेदिक स्पा भी है, काफ़ी कुछ है जो मैंने भी अभी नहीं देखे हैं, वो आज मैं देखने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ। हरे कृष्ण। तो गाइस फाइनली हम लोग बिल्डिंग के नीचे आ चुके हैं और अभी वेट कर रहे हैं, 2 प्रभु जी हैं उनका वेट कर रहे हैं। एक प्रभु जी पाकिस्तान से आए हुए हैं और एक दिल्ली से आए हुए हैं, तो दोनों प्रभु जी भी हमारे साथ चलने वाले हैं इको विलेज। और गाड़ी हमारी आ चुकी है तो उनका वेट ही कर रहे हैं, जैसे वो आ जाएंगे फिर हम लोग साथ चलने वाले हैं इको विलेज। और आपको इको विलेज का पूरा गाइस व्यू दिखाने वाले हैं, इको विलेज कैसा है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर, कैसे कैसे टेम्पल्स हैं, एक एक चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। चलिए प्रभु जी आ जाते हैं फिर चलते हैं इको विलेज, ठीक है गाइस। इको विलेज पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है और मुंबई से 95 किलोमीटर की दूरी पे है इको विलेज। कितना खूबसूरत है देखिए आप लोग। गाइस हम लोग फाइनली इको विलेज पहुंच चुके हैं और ये इको विलेज का एंट्रेंस है, देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ इको विलेज, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ और भी व्यू दिखाता हूँ चारों तरफ से। गाइस देखिए वृंदावन फॉरेस्ट टूर का समय दिया हुआ है, इसके हिसाब से आप एंट्री कर सकते हैं। ये देखिए गाइस गिरी गोवर्धन योगनाशाला, यमुना घाट, राधा गोविंद मंदिर, गोलक गोशाला, श्री श्री राधा मदन मोहन, गाइस ये सब अंदर में है, आपको दिखाया गया है। देखिए गाइस इको विलेज के अंदर जो पहला इस्कॉन का टेंपल है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, कितना खूबसूरत टेंपल है गाइस, देखिए आप लोग। ये जो मंदिर है गाइस श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी मंदिर है, और आप लोग देखिए कितनी बारीकी से इस मंदिर का निर्माण किया गया है, देखिए गाइस कितना खूबसूरत और भव्य मंदिर बनाया गया है। मैं आपको चारों तरफ से गाइस इस मंदिर का व्यू दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है। जो लोग वृंदावन नहीं गए हैं वो इको विलेज आके वृंदावन का लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि ये एज इट इज़ वृंदावन को ही दर्शाया गया है। तो आप लोग देखिए कितना खूबसूरत है ये। हरे कृष्णा, ये हमारे राजप्रभु हैं, ये हमारी भारत यात्रा को सफल कराने में इनका हाथ है। ये हमारे गेस्ट हैं दोस्तों, ये पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इनके साथ हम मेहमान नवाजी किया जाए और इनको हम लोग इको विलेज लेके आए हैं, तो इनको पूरा इको विलेज हम लोग दिखा रहे हैं। अभी दर्शन बना प्रारंभ किया है, हाँ हाँ और अंजाम तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आप लोगों को पूरा वीडियो में दिखाएंगे कहाँ कहाँ इको विलेज में क्या कहाँ जा रहे हैं, एक एक चीज़ हम लोग आपको बताने वाले हैं। सो हमारे गेस्ट का भी आप स्वागत कर लीजिए फिर से एक बार। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल। ये हमारे और एक प्रभु जी, ये भी हमारे गेस्ट है, दिल्ली से आए हुए हैं, तो हम लोग साथ में सब इको विलेज का दर्शन कर रहे हैं। आइए आप भी कभी दर्शन कीजिए, आपने जीवन में इतना सुंदर इस संसार के अंदर ऐसा स्थान नहीं देखा होगा, गारंटी है हमारी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। गाइस ये है श्रीनाथ जी कैफे, ये इस्कॉन टेंपल के ठीक बगल में ही है, आप यहाँ पर आके स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, और यहाँ पर जो भी फूड मिलता है गाइस सब एकदम प्योर और सात्विक फूड मिलता है,
तो हम लोग यहाँ पर आए हैं थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करने के लिए। देखो मछली, मैं ऐसे वॉक करती हूँ, एक करना पड़ेगा ना अभी नहीं ना। वाह कितने सारे फिश हैं यहाँ पर, वाह सुपर। पानी उड़ा लो अच्छे से, फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा ना। तीन लोग ऊपर देखो, तीनों लोग इधर देखो, 1 2 3 फिश के साथ है। मेरा मानना कैसा है मालूम है, सुनो, शरीर को धोने की जरूरत नहीं, आत्मा को धोने की जरूरत है। शरीर के अंदर ही आत्मा रहता है। इधर इधर आ गए सब लोग, हाँ चलिए आओ आनंद। जय हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम राम राम, हरे 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 राम, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 कृष्ण। अब शॉर्टकट मार के आ गए। देखिए गाइस, इन लोगों की हालत हो गई खराब, सब आराम करने बैठ गए यहाँ पर। हाँ हाँ सब आराम करने बैठे हुए हैं। ये देखिए इनको भी पसीने से हालत हो गई है। देखिए आनंद को अमरुद तोड़े खाते हुए, कैसे अमरुद खा रहा है, तोड़ के खा के मजे ले रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा?
दिव्य लीला। तुम दिव्य लीला, तुम क्या हो? दिव्य लीला। वो हरी लीला, सब हरी के नाम पे, हरी लीला, दिव्य लीला, कृष्ण लीला, ये दोनों डिवोटी हैं। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। देखो ये क्या हो रहा है, तुम्हारा एमएस बन रहा है, उठो जल्दी से। भागने लगी क्या कर रही है, तुम्हारे को फिक्र है? अरे आनंद पीछे आते आते नीचे एकदम आ जाओगे। वेरी नाइस फोटो सेशन हो रहा है पहाड़ पे चढ़ के। आ जाएगी वो बहुत स्मार्ट है, देखो क्या लेके आ रही है, क्या लेके आ रही है, वो क्या है? पपाया। वाह रे वाह, पपाया तोड़ के आ रही हो, वाह। मेरी मम्मी बोल रही है अरे इतना पैदल चले खाना खाए, हम तो भूखे ही रहेंगे। पैदल नहीं चलेंगे, ये हम पहली बार रुके थे। हाँ रोकी तुम क्या टूट गया, ये वो देखो, तो ये वो क्या है, ये देखो ये सूरी का फोटो है, देखो ये स्पा है। अभी यहां से रेस्टोरेंट चलेंगे। गाइस देखिए इको विलेज के अंदर में ऑडिटोरियम बना हुआ है, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस वगैरह मीटिंग वगैरह सब होते हैं। देखिए स्क्रीन भी लगा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है गाइस। मैं क्या करूँ घास, मतलब मैं नमस्ते करूँगा और क्या है। फॉरेनर्स जो होते हैं लोग बहुत हमेशा स्माइल करते हैं, इनका मन एकदम ना दिल खुश होते हैं लोग। सो गाइज़ हम लोग अभी चल रहे हैं लंच करने के लिए गोविंदास रेस्टोरेंट, 2:30 बज रहे हैं और हम लोग ने चलते चलते घूमते घूमते काफ़ी थक गए। आनंद मज़ा बहुत आ रहा है ना, बहुत मज़ा आ रहा है। और गाइज़ देखिए आपको मैं इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, ये देखिए हाथ में बैंड है, ये बैंड यहाँ कंपलसरी है, अगर आपके पास ये बैंड नहीं होगा तो आपको एंट्री मिलेगी नहीं। तो यहाँ पर जो प्रभु जी लोग हैं वही अरेंजमेंट करके दिए हैं, जो हमारे साथ आए हुए हैं दो प्रभु जी, इसलिए बैंड लगा के हम लोग बिंदास घूम रहे हैं, अदरवाइज गेट के अंदर एंट्री नहीं है। देखिए अभी आ गए हैं गोविंदास रेस्टोरेंट के पास, काफ़ी खूबसूरत जगह है गाइस, बहुत ही सुकून और पूरा चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आके। और भी थोड़ा बाकी है, मंदिर कुछ और भी अंदर है वो भी दिखाएंगे, फिलहाल अभी खाना खा लेते हैं। देखिए गाइस ये रेस्टोरेंट है, कितना ओपन रेस्टोरेंट बना हुआ है, पूरा खुला खुला चारों तरफ। देखिए काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अलग रेस्टोरेंट बना हुआ है, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। देखिए लंच हमारा आ चुका है और ये है कढ़ाई पनीर, साथ में बटर नान, और हम लोगों ने दही ऑर्डर किया था, ये आज हम लोग खाने वाले हैं। सो गाइस देखिए किसी को अगर यहाँ स्टे करना हुआ, कोई मान लीजिए बाहर से आ रहे हैं तो यहाँ पर रूम लेके स्टे कर सकते हैं। प्रभु जी को आशीर्वाद दे रही थी, प्रभु जी आपको बहुत आशीर्वाद देंगे भगवान जी, आप लोग ने हम लोग को
आसरा दिया आपने, गाड़ी में बैठा दिया, गाड़ी में बैठाया। आगे जा रहे हैं हम लोग, क्या बोलते हैं गेट के पास। ये प्रभु जी गाड़ी चला रहे हैं, देखिए प्रभु जी पीछे। वाओ कितने अच्छे लग रहे हैं प्रभु जी। सही जगह चल रहे हैं ना। हाँ हाँ सही जगह ही चल रहे हैं। बोलो आगे चले गए। प्रभु जी आप लोग बहुत अच्छे हैं, भगवान आप लोग खूब तरक्की दे। जल्दी इस गाड़ी से बड़े गाड़ी पे आ जाइए, जल्दी छोटे गाड़ी से बड़े गाड़ी पे आ जाइए। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है गाइज, यहाँ पर देखिए ग्राउंड में हम खड़े हैं, ग्राउंड के चारों तरफ का व्यू आपको दिखा रहे हैं, देखिए घूम के। और मीनाक्षी देखिए फ़ोटो लेने लगी है, जैसे वो हमेशा फ़ोटो लेने लगी रहती है। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा गाइज, देखिए हम लोग अभी आ चुके हैं यहाँ के सबसे बड़े मंदिर में और उसका दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। देखिए सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं, तो अभी अंदर चल के हम दिखाते हैं आपको व्यू यहाँ का। तो गाइज देखिए मैं राधा मदन मोहन टेंपल का मैं व्यू आपको चारों तरफ से घूम के दिखा रहा हूँ, कितना खूबसूरत मंदिर बना हुआ गाइज देखिए। और सबसे बड़ा मंदिर जैसे आपको मैंने पहले ही बताया है इको विलेज में, और देखिए कितना खूबसूरत बारीकी से इसको भी बनाया गया है। तो जितना भी तारीफ किया जाए इस मंदिर की कम है गाइस। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी और उसके बीच में मंदिर बना हुआ, देखिए खूबसूरत सा मंदिर। और कितना बड़ा मंदिर है गाइस, देखिए मैं आपको पूरा ऊपर तक का व्यू दिखा रहा हूँ, देखिए कितना बड़ा मंदिर है और कितना खूबसूरत बना हुआ है। और साइड में आपको दिख रहा होगा माउंटेन्स वगैरह, तो कितना खूबसूरत व्यू है गाइस, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जो लोग वृंदावन गए होंगे उनको ये सब सारे मंदिर उनको वहाँ पर दिखे होंगे। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वृंदावन का एज इट इज़ यहाँ पर बनाया गया इको विलेज में। बहुत प्यास लग रहा है, प्यास नहीं बुझ रहा। हाँ हाँ, कितना खूबसूरत पहाड़ लग रहा है, इस पहाड़ में हम लोग हैं। पहाड़ के नज़दीक एकदम है, इस पहाड़ के पास हम लोग बैठे हैं। आप पहाड़ आओ पास में, चलो हम लोग के साथ बातें करें। ओहो मम्मी का फोटो ले लो, कर मम्मी का फोटो। पहाड़ देखो कितना प्यारा है, पहाड़ देख लिया बहुत प्यारा है। मंदिर देखो, मंदिर भी देख लिया, कितना सुंदर है। अब घर चलो, अब घर चले। हाँ अब घूमना, घूमना पूरा हो गया। हाँ अब ताकत नहीं है, एनर्जी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गाइज आप लोग ऐसा नज़ारा नहीं देखे होंगे, देखिए अंग्रेज़ लोग भी साड़ी पहन के हारमोनियम बजा रहे हैं, ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलेगा। ऐसा सिर्फ आपको इस्कॉन के मंदिर में और इको विलेज में ही आपको देखने को मिलेगा। देखिए देखिए अंग्रेज़ माता जी साड़ी पहन के हारमोनियम बजा रही हैं, तो कितना अच्छा अनुभव है यहाँ पर आकर। तो गाइज़ हम लोग आ चुके हैं यमुना घाट पर यमुना आरती के लिए, देखिए यहाँ पर सब लोग धीरे धीरे जुटना शुरू हो गए हैं। Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna
गोवर्धन को दलित पवित्र केशी घाट पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो अब हम श्री यमुना आरती अर्पण करने जा रहे हैं। सबसे मेरा निवेदन है कि कृपया प्रेम से मेरे पीछे बोलिए, चिदानंद भानो, चिदानंद भानो, सदानंद सुनो, प्रेम पात्री भोले राधा हो, जय कुंज बिहारी। सब जोर से कहिए, गाइस हम लोग का डिनर टाइम हो चुका है। तो हम लोग आज डिनर में खा रहे हैं, देखिए ये प्रसादी है जो कैफेटेरिया में हम लोग खा रहे हैं। सो गाइस हम लोग अभी निकल रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। बहुत एंजॉय हो गया, बहुत मजा आया, बहुत दर्शन हो गया। सेवन पवित्र टेंपल हम लोग दर्शन किए। कितने बज रहे हैं? 8:10 हो रहे हैं। तो हम लोग इको विलेज से बाहर निकल रहे हैं और अभी फिर घर चलेंगे। एक गाइस फाइनली बैक होम और रात के 1:30 बज रहे हैं, तो मुझे ब्लॉग को यही खत्म करना पड़ेगा। आप बताइएगा कमेंट में ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे अपना प्यार बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। गुड नाइट।